साल का पहला दिन यानी जो कहा जा सकता है कि आज की शुरुआत जो लोग कर रहे हैं इस दिन की, वो मंदिरों में दर्शन के साथ कर रहे हैं। पटना के तमाम वैसे लोग जो पटना के महावीर मंदिर पहुंचकर जो है आज साल की पहले दिन की शुरुआत जो है भगवान के पूजा साथ कर रहे हैं, उनकी भीड़ मंदिर के बाहर लगी हुई। तमाम श्रद्धालु जो है, महिला हो या पुरुष हो, तमाम लोग जो ठंड के बावजूद भी जो है यहाँ मंदिर में पहुँच रहे हैं। और साल का पहला दिन यानी 2022 को अलविदा और 2023 को जो है स्वागत करने के लिए जो लोग पहुँचे हुए हैं उनकी लंबी कतार जो है मंदिर में लगा हुआ है। और मंदिर भी जो है इसके लिए पूरी तरह तैयार है, फूलों से जो है मंदिर को डेकोरेट किया गया है। किसी तरह की जो कही जा सकती है कि मंदिर में आने वाले दर्शनों को जो है दर्शन करने में दिक्कत ना हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई। कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे हम जान लेते हैं। सुबह सुबह ही साल का पहला दिन कुछ लोग हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ कि साल का पहला दिन है और उनको जो है दर्शन करने के साथ ही जो है कुछ श्रद्धालु साल का पहला दिन है और दर्शन करने के साथ ही शुरुआत कर रही हैं, भगवान से क्या कुछ कामना होगा? हाँ, ये साल अच्छा बीतना चाहिए, बहुत सारी उम्मीदें हैं इस साल से। चाहती हूँ कि भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे, साथ में हमारी भी करे। बहुत ठंड है आज, उसके बावजूद ही पहला काम मंदिर में लगता है। हाँ, सुबह 4 बजे उठा और सबसे पहले मंदिर आई हूँ और यहाँ एवरी डे आती हूँ, बाबा के मंदिर में इतने चमत्कार होते हैं दर्शन करके। आप क्या कहिएगा, साल का पहला दिन है? साल का पहला दिन भगवान से यही कहते कि सब सुखी रहे, साथ साथ हम भी सुखी रहे। और सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए, तभी बाबा का दर्शन हो गया है। से लोग ही जो है दर्शन के लिए जो है लाइन में लगे हुए थे और जो लोग भी अभी पहुंच रहे हैं, काफ़ी ठंड होने के बावजूद भी जो है आज का दिन जो है वो लोग दर्शन के लिए जो है यहां पे पहुंच रहे हैं और ये भगवान से कामना कर रहे हैं कि ये साल का पहला दिन जिस तरह से उनकी अच्छे से बीते, उसी तरह पूरा साल जो है अच्छा से बीते। और जो कहा जाता है कि जो सुख समृद्धि की जो कामना करते हैं, भगवान उन्हें आशीर्वाद के रूप में दे। इस समय कैमरा पर्सन राजेश के साथ गौतम गौंड, कशिश न्यूज, पटना।